नमस्कार, सीरीज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में सातवें और अंतिम चरण में कल 1 जून को मतदान होने हैं। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जनपद के जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर से आज पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया। जनपद में कुल वोटरों की संख्या लगभग 20,04,000 है, जिसमें महिला वोटरों की संख्या लगभग 9,48,000 है। मतदान के लिए 2084 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। कल के मतदान में मतदाता लोकसभा क्षेत्र के 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से बीजेपी उम्मीदवार, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, इंडी गठबंधन प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी एवं बसपा से मौसमी आलम चुनावी मैदान में हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से नेपाल से लगी जनपद की 84 किलोमीटर की सीमा को सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होंगे। मतदान के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड एवं स्टैटिक टीमें लगातार भ्रमण पर रहेंगी। पूरे नेपाल बॉर्डर पर 32 नाके बनाकर सील कर दिया गया है। अवैध रूप से आवाजाही को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सी न्यूज भारत से खास बातचीत कर अहम जानकारी साझा की। जैसा कि आपको अवगत है कि जनपद महाराजगंज के 63 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में सप्तम चरण में चुनाव 1 जून को नियत है। इसी क्रम में आज 31 मई को सुबह 5:30 बजे से पोलिंग पार्टी रवानगी का ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे ज़रूर महाराजगंज में कल आंधी तूफान की वजह से कुछ हमारी जो व्यवस्थाएँ थी वो उसमें कुछ हमें खलल आया था, लेकिन सुबह तक हमने सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर ली और आज लगभग 9,232 मतदान कार्मिकों को हम रवाना कर रहे हैं 2084 पोलिंग बूथ में, जो कि 1134 पोलिंग सेंटर्स में है। इसमें से लगभग 216 केंद्र जो हैं वो क्रिटिकल हैं, जिसमें 321 पोलिंग बूथ्स हैं। हमारे यहाँ 5 पिंक बूथ्स बन रहे हैं हर विधानसभा में, 5 आदर्श बूथ बन रहे हैं हर विधानसभा में, 1 दिव्यांग बूथ बन रहा है, 1 यूथ बूथ बन रहा है और 1 हमारे जनपद की नवीन पहल यह है कि हमने एक ग्रीन बूथ बनाया है लोगों को पर्यावरण और एनवायरनमेंट के बारे में सजग करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना स्ट्रांग हीट वेव है। और उस बूथ में जितने भी मतदाता आएंगे उन सबको हम एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड एक एक पौधा देंगे, ताकि उसको वो वृक्षारोपण कर पाएँ आगामी वर्षा ऋतु में। इसके अतिरिक्त बॉर्डर को सीलिंग की भी कार्रवाई की गई है। ऑफ कोर्स जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं और जो हमारे टू इन पर्सन इन एमरजेंसी हैं, जिनका मेडिकल एमरजेंसी है, उनको अलाउ किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा सख्त निगरानी रखी गई है। पुलिस डिप्लॉयमेंट भी हर जगह पर्याप्त है। लगभग 17 कंपनीज पैरामिलिट्री फोर्स के भी यहाँ पर लगाए गए हैं और स्ट्रॉन्ग रूम की भी कार्रवाई पूरी कलेक्ट्रेट में पूरी कर ली गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि कल 1 जून को जनपद महाराजगंज में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा और यहाँ का जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो यूपी में सबसे ऊपर के नंबर का रहेगा। मैं आप सभी के माध्यम से मेरे सभी महाराजगंज के वासियों से अनुरोध करूँगा कि कृपया भारी मात्रा में अपने घर से बाहर निकले और अपने विशेष मताधिकार का प्रयोग करके महाराजगंज का जो पोल परसेंटेज है उसको यूपी में नंबर 1 लाने की हम लोग पूरा प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजगंज में कल मतदान होता हो रहा है, ऐसे में लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुलिस अधीक्षक सर, हम जानेंगे किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया। सर, महाराजगंज जनपद में सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार का इंतजाम किया गया? महाराजगंज जनपद में 2084 मतदान केंद्र है पर पर्याप्त पुलिस लगाया गया है। बाहरी जनपदों से पुलिस बल प्राप्त हुआ है, उसकी निगरानी की गई। CAPF क्रिटिकल बूथों पर लगाया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर होने के चलते इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर पर भी फोर्स लगाया गया है। वो सब पर फोर्स लगाया गया है। 29 तारीख से ही वो इंटरनेशनल हुई है। इसके अतिरिक्त आज डिस्पैच सेंटर से सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। यहाँ पर ट्रैफिक ड्यूटी भी तैनात की गई है ताकि सुगम परिवहन रहे, सुगम यातायात व्यवस्था रहे और सभी पोलिंग पार्टी सुरक्षित ढंग से और सही समय अपने मतदान केंद्र पर पहुँच सके, इसके लिए व्यवस्था की। सर, अगर हम बात करें संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की, सर इसमें किस प्रकार की संवेदनशील बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं, CAPF की व्यवस्था की गई है, इसके अलावा वेबकास्टिंग की व्यवस्था है और लगातार हमारी क्लस्टर मोबाइल ये भी भ्रमणशील रहेंगे, QRT भी वहाँ पर लगातार। सर, सीरीज भारत के माध्यम से मतदाताओं में सर किस प्रकार का
मतदाताओं से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में विवाद करें, अपने मत का प्रयोग करें। तो आपको बता दें, हमारे साथ पुलिस अधीक्षक सर थे, उन्होंने सुरक्षा को लेकर भी अपनी जानकारी साझा की। देख सकते हैं कि यहाँ पे पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो रही हैं, वीवीपैट वगैरह ले करके अपने टीम के साथ यहाँ से रवाना हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि कल महाराजगंज में मतदान हो रहा है, इसको लेकर के सुरक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और अलर्ट है। अंगद शर्मा, सिविल भारत, महाराजगंज। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।